नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष चौधरी और स्टडी गैराज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्युंडई की सेंट्रो का माइलेज टेस्ट। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हम हमारी सेंट्रो को सबसे पहले पेट्रोल पंप पर लेकर जाएंगे और इसे बिल्कुल ऊपर तक फुल करवाएंगे। तो गाड़ी फुल करवाने के बाद हम काफ़ी सारा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे और उसके बाद जो भी नेक्स्ट पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पर इसे वापस रिफ्यूल करवाएंगे और देखेंगे कितना लीटर पेट्रोल आता है। तो गाड़ी जितने किलोमीटर चली होगी उसको हम डिवाइड करेंगे जितना भी लीटर इसमें फ्यूल आया होगा उससे। तो इस तरीके से हमें इसका माइलेज मिल जाएगा। तो आइए सीधे चलते हैं पेट्रोल पंप पर और इसे फुल करवाते हैं। तो दोस्तों, हमें कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है, इसलिए हम रात में ही इसका फ्यूल टैंक फुल करवाने के लिए आ चुके हैं ताकि सुबह में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों, हमारा जो फ्यूल टैंक है वो फुल हो चुका है। तो अब हम कल सुबह हमारी जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हम हमारी जर्नी शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आपने देखा था, हमने रात को ही इस सेंट्रो को एकदम फुल करवा दिया था, ऊपर तक इसका पेट्रोल जो है वो बिल्कुल टच करवा दिया था और उस समय मीटर की जो रीडिंग थी वो थी 2097 किलोमीटर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमने हमारी जर्नी स्टार्ट कर दी और हमें काफी लंबा यहाँ से जाना है, लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास जाना है। तो जहां भी इस गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने जैसा होगा हम इसे वापस से रिफ्यूल करवा लेंगे, बिल्कुल ऊपर तक टच करवा लेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें कितना लीटर फ्यूल आया है और गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गाड़ी में हम तीन लोग ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे तीनों का जो लगेज है वो काफी सारा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा एसी जो है वो थ्रू आउट चालू रहेगा और स्पीड जो है वो हम 100-110 के आसपास मेंटेन करेंगे क्योंकि हमें काफी दूर तक जाना है और होप कि हमें रास्ता अच्छा मिले। तो दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा इस गाड़ी के बारे में बताऊं तो ये ह्युंडई का सेंट्रो का स्पोर्ट्स मॉडल है। ये एक पेट्रोल वेरिएंट कार है जो कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली है। दोस्तों, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हमेशा ऐसा देखा गया है कि माइलेज जो है वो मैनुअल के हिसाब से कम होता है। तो ये जो टेस्ट है ऑटोमेटिक के साथ में हम इस तरह का पहली बार करने जा रहे हैं, तो देखते हैं इसका माइलेज कितना निकलता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी है वो चलाने में काफी बढ़िया है, काफी स्मूथली चलती है, हाई स्पीड्स पर तो काफी अच्छा इसका कंट्रोल भी है। एक अगर मुझे थोड़ी बहुत इसमें कुछ कमी लगती है तो वो थोड़ी सी स्पेस की लगती है। चार लोग के लिए ये गाड़ी कंफर्टेबल है, हम तो वैसे तीन लोग ही जा रहे हैं इसमें, पर अगर इसमें पांच लोगों को जाना पड़े तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपकी छोटी फैमिली है, चार लोग की अगर आपकी फैमिली है तो आप आराम से इस गाड़ी को ले सकते हैं, गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। एसी का जो कूलिंग है वो भी बहुत जबरदस्त है, हमने इसकी फैन की स्पीड एक पर रखी हुई है तो भी हमें काफी अच्छा खासा कूलिंग मिल रहा है, जबकि बाहर जो टेम्परेचर है वो 40 के आसपास है अभी। ऑटोमेटिक गाड़ी का दोस्तों एक और फायदा होता है कि जब भी आप सिटी में जाते हैं या ट्रैफिक वाले एरिया में जाते हैं तो आपको बार बार क्लच नहीं दबाना पड़ता, जिसके कारण आपकी राइड काफी स्मूथ रहती है, आपका पैर जो है वो दर्द नहीं करता। बाकी यूजुअली इतने सारे ट्रैफिक में अगर आप चलाते हैं तो आपका पैर दुखने लग जाता है जो कि काफी अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। तो दोस्तों, लगभग हम 300 किलोमीटर आ चुके हैं और फ्यूल जो है वो हाफ टैंक से थोड़ा नीचे जा चुका है। तो ये 300 किलोमीटर में हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट हुआ है, जैसे कि रास्ते में हमें रेवाड़ी के आसपास किसान आंदोलन मिला जिसकी वजह से लगभग हमारा 2 घंटा जैसा खराब हो गया। उसके बाद जब हम आगे चले तो किशनगढ़ के आसपास लगभग 70-80 किलोमीटर में
काफी सारे डाइवर्जन है, तो हम एक तो स्पीड हमारी काफी ज्यादा रख रहे हैं, 100-110 मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमें सडन ब्रेक मारना पड़ रहा है क्योंकि डाइवर्जन है, तो उस वजह से हमारा काफी सारा फ्यूल भी बर्बाद हुआ होगा और काफी सारा हमारा टाइम बर्बाद हुआ। तो दोस्तों हमने लगभग 450 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है और पेट्रोल की जो पोजीशन है वो सिर्फ अब एक डब्बा बचा है, तो जो भी नेक्स्ट पेट्रोल पंप आएगा हम इसे वहां पर रिफ्यूल करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्ट पेट्रोल पंप पर। दोस्तों अब अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो जैसा कि आपने देखा था जब हमने हमारी जर्नी स्टार्ट करी थी तो किलोमीटर्स की रीडिंग थी 2097 किलोमीटर्स और काफ़ी सारा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसमें रीडिंग थी 2581, यानी कि इस गाड़ी ने कुल मिलाकर 484 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है। उसके बाद जब हमने इसे सेकेंड टाइम रिफ्यूल करवाया तो इसमें आया था 31.02 लीटर्स पेट्रोल। तो अगर हम 484 को 31.02 से डिवाइड करें तो निकल कर आता है 15.60, यानी कि इस गाड़ी का माइलेज है 15.6 का। दोस्तों पहली नज़र में ये माइलेज आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि हाईवे पर 15.6 का माइलेज इतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम बाकी सारे चीज़ें भी अगर कंसीडर करें तो जैसे कि हमारा किसान आंदोलन की वजह से जो 2-3 घंटे का टाइम वेस्ट हुआ था, उसके अलावा हमें जो इतने सारे डाइवर्जन्स मिले, तीसरी बात गाड़ी में बिल्कुल फुल लोड था, हम लोग 3 लोग बैठे हुए थे और काफ़ी सारा लगेज था, उसके अलावा एसी चालू था और उसके अलावा जो स्पीड थी वो भी हमने काफ़ी अच्छी खासी रखी थी 100-110 के आसपास। तो इतने सारे फैक्टर्स के बावजूद अगर ये गाड़ी 15.6 का माइलेज देती है तो काफ़ी सराहनीय है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के थ्रू अपने सुझाव दीजिए। दोस्तों आने वाले समय में हम ऐसे ढेरों वीडियोस बनाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।